तो अपराधी और जो लुटेरे हैं वो तो संरक्षित हैं, और जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, देश के हित के लिए और देशवासियों के हित के लिए जो आवाज़ उठाता है उनके ऊपर की कोशिश करिए। ना राहुल गांधी झुकेंगे, ना कांग्रेस झुकेगी, ना कांग्रेसी झुकेंगे। हिंदुस्तान ने आज़ादी बड़ी कुर्बानियों के बाद और लाखों करोड़ों लोगों ने यातनाएं सही, शहादत दी, उसके बाद ये आज़ादी मिली थी। और ये आज़ादी में आज का दिन, मैं कहूँगा लोकतांत्रिक देश के लिए आज का दिन एक काला दिन है, जब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और हत्या करने वाले कोई और नहीं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा करी जा रही। आज संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है। आज देश में जो बात उठाएं देशवासियों के हित की, देश के लूट के खिलाफ, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, देश में बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ, देश में आज के वातावरण के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करके, और ख़ास तौर पे विपक्ष के नेताओं को, और विपक्ष के नेताओं में सबसे मुखर जो हैं राहुल गांधी को, कभी 54 घंटे की पूछताछ होती है ईडी द्वारा, कभी दिल्ली पुलिस जो है उनके निवास पे जाके जम्मू कश्मीर में एक दियोहे बयान की तफ्तीश करने के बहाने से जाती है। और आज आप देख सकते हो कि उन्होंने किसी को ना तो द्वेष से, ना किसी के नियतन ने इस तरह का कोई आक्षेप लगाया था, ना कोई ऐसी बात की थी, लेकिन अदालत का माध्यम बना के और इतनी तीव्रता से उसकी जजमेंट आ जाना और उसके बाद अगले दिन ही सदस्यता रद्द कर देना, ये दर्शाता है कि बीजेपी आज बौखलाई हुई है। उसकी सच्चाई सामने जब आ रही है, जिस तरीके से अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग करी जा रही है, जिस तरीके से मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है, तो अपराधी और जो लुटेरे हैं वो तो संरक्षित हैं, और जो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, देश के हित के लिए और देशवासियों के हित के लिए जो आवाज़ उठाता है उनके ऊपर जो इस तरह का कार्रवाई होती है, ये बेहद शर्मनाक। और मैं कहूँगा आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र प्रजातंत्र के लिए काला दिन। सर, बात करें जैसे कि 2024 का चुनाव आने जा रहा है, उसको लेकर भी क्या रोकने के लिए राहुल गांधी को इस तरीके से रोका जा रहा है? भारत जोड़ो यात्रा के अपार सफलता और लाखों करोड़ों लोगों ने समर्थन और जो आशीर्वाद दिया था उससे बौखलाकर, और जिस तरीके से परत दर परत चाहे वो अडानी के घोटाले की बात हो, चाहे अन्य घोटालों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, देश में महंगाई की बात हो, देश में नफरत माहौल बनाने की बात हो, उससे घबरा कर बीजेपी आज और उसके सत्ताधारी नेता हैं वो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। जेपीसी से और उसमें लोकसभा में पहले बोलने नहीं दिया गया, और अब बोलने के बजाय उनके सदस्यता को रद्द कर देना, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र को में इस तरह की सत्ता को केंद्रीयकरण करके आप संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके आवाज़ को दबाने की कोशिश करिए। ना राहुल गांधी झुकेंगे, ना कांग्रेस झुकेगी, ना कांग्रेसी झुकेंगे। हम पूरी लड़ाई देश की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, जो देश की जनता के लिए चाहे कुछ भी घर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बेशक उनकी जो हम कांग्रेसी और देशवासी सारे आज उनके इसी इरादे के साथ खड़े हैं, और हम पूरा अपना सामर्थ्य जो है अपने नेता के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपनी सच्चाई के साथ रहेंगे।